अवैध असलहों के जखीरे के साथ तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बांदा जनपद की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कोतवाली नगर की पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के पकड़े अवैध असलहों के तस्करों को, जिनके पास से भारी मात्रा में देशी पिस्टल, 315 बोर के तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही असलहे बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए। इन तस्करों के द्वारा कई राज्यों में असलहों की सप्लाई की जाती थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर सोने घर में छापा मारा, जहां पर 8 लोग गिरफ्तार किए गए। जब उनसे कड़ाई से पूछने पर बताया कि इन अवैध असलहों को 5,000 से लेकर 25,000 तक की कीमत में बेचते थे। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अवैध असलहों के जखीरे के साथ 8 असलहे तस्कर गिरफ्तार करने में बांदा पुलिस को सफलता मिली है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक बांदा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसमें कोतवाली नगर और एसओजी की टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध असलहों के साथ अर्धनिर्मित फैक्ट्री पकड़ी। साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर एक समय अभियान के दृष्टिगत हमारी एसओजी टीम और थाना कोतवाली नगर की टीम द्वारा एक अवैध असलहा की तस्करी करने वाले गिरोह तथा उनसे एक अर्ध निर्मित फैक्ट्री बरामद की गई है। कुल इसमें कुल 8 इस गैंग में कुल 8 अभियुक्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। उनसे भारी मात्रा में जो है असलहे बरामद हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक पिस्टल बरामद हुआ है तथा कुल 18 तमंचे, इसके अलावा कारतूस भी मिले हैं, एक अर्धनिर्मित अंधी भी मिली है 315 बोर की। तो ये सारे जो है काफ़ी अच्छी सफलता हमारी एसओजी टीम और अपने कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा की गई है, और सभी उक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।